नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात की थी और इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है यानी कि ये कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस और रिसोर्सेज को मैनेज करता है सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन मेमोरी यानी रैम में लोड होता है और इसके बाद ये यूज़र सॉफ्टवेयर को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए वो सब एलोकेट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से फंक्शंस होते हैं तो आइए सभी फंक्शंस को विस्तार से समझते हैं ऑपरेटिंग तो सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट तो मेमोरी मैनेजमेंट मींस प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रकार के डाटा एप्लीकेशन या प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है सिस्टम में रन होने वाले सभी प्रोग्राम और उनसे रिलेटेड डाटा को प्राइमरी मेमोरी में ही प्रोसेस किया जाता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ही वो जगह होती है जहां से सीपीओ और इनपुट डिवाइसेस डाटा को तेजी से एक्सेस कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है जैसे कि एक तो ये मेमोरी स्पेस को एलोकेट और डीएलोकेट करता है ये प्राइमरी मेमोरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि प्राइमरी मेमोरी का कौन सा हिस्सा यूज में है और कौन सा यूज में नहीं है ये प्रोग्राम को मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये डिसीजन लेता है कि किस प्रोग्राम को कब मेमोरी देनी है और कितनी देनी है और जब प्रोसेस अपना काम खत्म कर लेती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वापस अपनी मेमरी ले लेता है तो मेमरी मैनेजमेंट में मेमरी एलोकेशन भी दो प्रकार से किया जाता है फिक्स साइज पार्टीशन एलोकेशन और दूसरा है वेरिएबल साइज पार्टीशन एलोकेशन तो फिक्स साइज पार्टीशन एलोकेशन के मेमोरी एलोकेशन में हर एक प्रोसेस को समान मेमोरी प्रोवाइड की जाती है जबकि वेरिएबल साइज पार्टीशन एलोकेशन के मेमोरी एलोकेशन में हर एक प्रोसेस को उसके काम के अनुसार मेमोरी प्रोवाइड की जाती है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए किसी भी प्रोसेस को कुछ जरूरी रिसोर्सेज जैसे सीपीयू टाइम मेमोरी, फाइल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि चीजों की आवश्यकता होती है ये रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तब एलोकेट किए जाते हैं जब कोई प्रोसेस रन हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एंश्योर करता है कि, कि किस प्रोसेस को कितने समय तक रिसोर्सेज उपलब्ध कराना है और टास्क कंप्लीट होने पर रिसोर्सेज को डी एलोकेट करना है ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है ये जो प्रोसेस है ये भी दो प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस और यूजर के प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस सिस्टम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और जबकि यूजर के प्रोसेस यूजर के प्रोसेस यूजर के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी यूजर या सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट करना प्रोसेस को सस्पेंड या रिज्यूम करना प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक हैंडलिंग के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना ये सारे काम ओएस द्वारा ही किए जाते हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले काम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ड्राइवर्स की मदद से डिवाइस को मैनेज करता है ये डिवाइस मैनेजमेंट के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट कामों को पूरा करता है कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी डिवाइसेज की जानकारी रखता है अलग अलग प्रोसेस को टास्क कंप्लीट करने के लिए डिवाइसेस की आवश्यकता होती है तो डिवाइस एलोकेट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिसीजन लेता है कि किस प्रोसेस को कब और कितनी देर तक डिवाइस एलोकेट करनी है और जब प्रोसेस का, का काम खत्म हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को डी एलोकेट कर देता है अब ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रकार के डाटा और इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक विशेष प्रकार के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जिसे कि हम फाइल कहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार के डाटा और इन्फॉर्मेशन को फाइल्स के रूप में ही स्टोर करके रखता है कंप्यूटर में स्टोर की गई फाइल्स को बदलने और उनमें उन कुछ एडिटिंग करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मौजूद सभी फाइल्स को मैनेज करता है सभी फाइल्स की जानकारी रखना फाइल्स को क्रिएट करना डिलीट करना डायरेक्टरीज को क्रिएट और डिलीट करना फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करना और यूजर की इंस्ट्रक्शन पर ओपन करना ये सारे काम फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट की तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यूजर के प्रोग्राम और डाटा को सुरक्षित रखना भी होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी इसी बात से निर्धारित की जाती है कि वो हमें कितनी बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे यूजर का डाटा और फाइल्स सुरक्षित रहते हैं कंप्यूटर में पासवर्ड की फैसिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही दी जाती है जिससे कि अननोन यूजर लॉगिन ना कर सके आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डाटा को फायरवॉल का इस्तेमाल करके भी सेफ रखते हैं फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि बाहर से होने वाले अटैक को सिस्टम तक नहीं आने देता है इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आने वाले वायरस के लिए भी यूजर को इन्फॉर्म करता है और आवश्यक होने पर एंटीवायरस प्रोग्राम की हेल्प से वायरस को मेमोरी में से रिमूव कर देता है नेक्स्ट आप बात करते हैं एरर डिटेक्टिंग की तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिस्टम को कोई कमांड देते हैं और वो किसी एरर या बग के कारण पूरी नहीं हो पाती है और सिस्टम हमें एक एरर मैसेज या इंस्ट्रक्शन देता है ये पूरा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एरर डिटेक्टिंग के द्वारा बग और एरर का पता लगाता है और यूजर को उस एरर के बारे में बताता है इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है इसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर द्वारा इनपुट के रूप में डाटा लेता है और उस डाटा को अपने सिस्टम में प्रोसेस करता है और आउटपुट को मॉनिटर तथा प्रिंटर के द्वारा यूजर को शो कराता है पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही दिए जाते हैं और इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है और यूजर तक सही जानकारी भेजता है नेक्स्ट बात करते हैं यूजर इंटरफेस की तो यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण वर्क स्पेस होता है जिसकी सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कंप्यूटर तो के सभी हार्डवेयर को यूज में लाने के लिए कुछ जरूरी कमांड्स उपलब्ध करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के द्वारा दी गई कमांड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर हार्डवेयर को फॉरवर्ड करता है इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक मीडियम की तरह काम करता है जो यूजर को हार्डवेयर से विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करता है इसके बाद लास्ट में अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी प्रकार के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है चाहे वो यूज़र प्रोग्राम हो या फिर सिस्टम प्रोग्राम इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रही सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और आपके द्वारा दी गई प्रत्येक एक्टिविटी पर नज़र रखता है इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है ये टी आईपी के द्वारा हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है साथ ही फाइल प्रिंटर स्कैनर ये सारे रिसोर्सिस को भी शेयर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है ताकि यूजर को बेस्ट परफॉर्मेंस और अच्छे रिजल्ट दे सके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही बोटिंग यानी कंप्यूटर को स्टार्ट और स्टार्ट करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे यूजर्स को इंटरप्रेटर कंपाइलर और असेंबलर असाइन कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का, का काम रिसोर्सिस और जॉब्स की शेड्यूलिंग करना भी होता है शेड्यूलिंग की वजह से ही कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे कामों को एक साथ पूरा कर सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानकारी दी है इसके अलावा मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से अपने कार्य को करता है इसके बारे में भी बताया है यदि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके कार्य से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद